नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अफगानिस्तान की सरकार में पिछले कुछ दिनों से डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। बरादर कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए सवाल उठ रहे थे कि उसकी मौत हो गई है। अब तालिबान की ओर से बरादर के इंटरव्यू का वीडियो ट्वीट किया गया और उसकी मौत की खबरों का खंडन किया गया है। ये वीडियो अफगानिस्तान के सांस्कृतिक उद्योग के मल्टीमीडिया ब्रांच के चीफ अब्दुल्ला मुख्ती ने ट्वीट किया। इससे पहले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने सोमवार को खुद एक ऑडियो संदेश में पुष्टि की कि वो जिंदा है और घायल नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की हत्या की अफवाहें सच नहीं हैं। वो पिछले दो सालों से हैबतुल्लाह अखुनजादा के बारे में यही बात कह रहा है, लेकिन पिछले दो सालों में अब तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। इससे पहले की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के प्रमुख फैज हमीद बरादर और हक्कानी समर्थित समूहों के बीच झड़प के बाद काबिल पहुंचा था, जिसमें बरादर घायल हो गया। कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य है। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो इसी बीच अफगानिस्तान में जो है वो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बरादर जो है उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन एक वीडियो ट्वीट किया गया। उस वीडियो से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अभी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मरा नहीं है, वो जिंदा है और ना ही घायल है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अंतरिम तालिबानी सरकार में उप प्रधानमंत्री भी हैं। साल 2010 में पाकिस्तान की आईएसआई ने उसे गिरफ्तार किया था। साल 2018 में उसे रिहा कर दिया गया। तालिबान में कई मदरसों के संचालन का जिम्मा उसके पास लगातार है और कई सालों से वो ये जिम्मा संभालता आया है। बरादर कतर की राजधानी दोहा में रहता है। ये तमाम बातें जो हैं वो बरादर से जुड़ी हुई हैं। दरअसल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य है हमेशा से ही, और अब की बात की जाए तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अंतरिम तालिबानी सरकार में उप प्रधानमंत्री भी है। दरअसल बरादर को कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया और वो तालिबान के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं है जो 12 सितंबर को काबुल में कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी में मिला था। तो ये है असली हकीकत कि तालिबान में अब भी बरादर पूरी तरह से जिंदा है, जिसका वीडियो जारी कर ये संदेश दिया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सरकार में बदलाव कर दिया है। पहले विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब पूरी कैबिनेट बदलने की तैयारी है। गुजरात की नई कैबिनेट आज दोपहर को शपथ लेगी करीब 1:30 बजे के आसपास। उससे पहले विधायकों को फोन पहुंचना शुरू हो गया है। तो गुजरात की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह आज जो होने जा रहा है करीब 1:30 बजे, इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से। हालांकि बुधवार के दिन यह शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, लेकिन शाम तक ये जो समय था वो टालता हुआ नजर आया। तो कौन कौन शपथ लेने जा रहा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस किस का नाम रेस में सबसे आगे है। मोरबी से विधायक ब्रजेश मरेजा, राजकोट ईस्ट से विधायक अरविंद रैणी, वहीं लिंबी से विधायक करीट सिंह राणा का नाम भी लिस्ट में है। गणदेवी से विधायक नरेश पटेल का नाम भी इस लिस्ट में सामने आ रहा है। इसके अलावा सूरत मजूरा से विधायक हर्ष सांगवी भी इस रेस में शामिल नजर आ रहे हैं। विसनगर के विधायक ऋषिकेश पटेल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा ओलपाट के विधायक मुकेश पटेल का नाम भी इस रेस में आगे नजर आ रहा है। वडोदरा सिटी की विधायक मनीषा वकील, यानी कि महिलाओं को भी तरजीह दी गई है।
कपराहा से विधायक जीतू चौधरी का नाम भी शामिल है। संतराम से विधायक कुबेर डिंडौर भी इस लिस्ट में शामिल नजर आ रहे हैं। तो ये सारे नाम हैं जिन पर मुख्यतः फोकस किया गया है। दरअसल नए मंत्रिमंडल में तीन आदिवासी चेहरों को जगह मिल सकती है। इनमें नरेश पटेल, कुबेर डिंडौर, जीतू चौधरी शामिल है। आपको ये भी बता दें कि गुजरात में पहले बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आई, लेकिन जब पता चला कि पूरी कैबिनेट ही बदली जा रही है, तब कुछ विधायकों मंत्रियों ने नाराजगी जाहिर की। ऐसे में विवाद के चलते इस शपथ ग्रहण को एक दिन के लिए टाल दिया गया था, लेकिन आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है करीब 1:30 बजे, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं अगर यूपी का रुख करेंगे तो आगरा के कस्बा बाह में अवैध रूप से संचालित अस्पताल में झोला छाप की तरह से प्रसूता का जबरन डिलीवरी के लिए ऑपरेशन किया गया। झोला छाप डॉक्टर के गलत ऑपरेशन से नवजात की मौत हो गई। वहीं पेट का गलत ऑपरेशन होने के कारण महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की तरफ से अस्पताल को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कस्बे में झोला छाप डॉक्टर की तरफ से ऑपरेशन किए जाने और नवजात की मौत की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस अवैध अस्पताल पर छापा मारकर कार्रवाई की गई और वहां मिले स्टाफ से संबंधित कागज दिखाने के लिए कहा गया। अस्पताल में कोई भी चिकित्सक सर्जन मौजूद नहीं है। अस्पताल में सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो झोला छाप डॉक्टर ने प्रसूता का जबरन ऑपरेशन किया, जिससे नवजात की मौत हो गई है। महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं वो अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगरा की तस्वीरें जहां पर नवजात की मौत हुई है, महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक झोला छाप डॉक्टर ने महिला का जबरन ऑपरेशन कर दिया, जिससे नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो प्रसूता है उसकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। आगरा के पिनाहाट के दो गांव में डेंगू का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला। पिनाहाट के गांव भावनाथ की ठहरी और हुसैनपुरा में बड़े स्तर पर डेंगू फैल गया है। पिनाहाट के गांव भावनाथ की ठहरी में डेंगू से 13 साल के किशोर की मौत हो गई। वहीं वायरल की चपेट में आने से एक ही परिवार के 27 लोग गंभीर हैं। मृतक किशोर की माँ, भाई, बहन सहित 27 लोग वायरल फीवर से पीड़ित है। हुसैनपुर में भी घर घर वायरल फीवर से दो परिवारों के करीब 10 लोग आगरा में भर्ती हैं। पिनाहाट कस्बे के मोहल्ला चांदनी में 6 माह की बच्ची की तेज बुखार आने के बाद मौत हो गई। पिनाहाट में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या देखकर ग्रामीण दहशत में हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप किस तरह से बढ़ा हुआ है। एक ही परिवार के 27 लोग इसकी जद में हैं। इसके अलावा दूसरे गांव में भी इसका प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगरा में वैसे शहरी इलाकों में भी डेंगू का प्रकोप है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये कहर बरपा रहा है। मासूम छोटे छोटे बच्चों को ये अपना शिकार बना रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और आप इससे अंदाजा लगाइए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तेज बुखार से तड़प रहे हैं, इलाज हो रहा है, कई इलाकों में इलाज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मासूम बच्चे दम तोड़ रहे हैं। तो डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उचित जो व्यवस्था है वो लोगों के लिए की जा रही है। गांव-गांव में घूमकर, घर-घर जाकर ये परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं कोई डेंगू का मरीज तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के ये दावे भी फेल साबित होते हैं। आसपास के इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस गाँव की एक तालाब है, वहां पानी भरा हुआ है, लेकिन वो तालाब पूरी तरह से एक गंदे नाले में तब्दील हो गया है। कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से डेंगू का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगरा की तस्वीरें, हालांकि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में हैं। जहां एक तरफ 2022 के विधानसभा चुनाव का फीवर चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये वायरल बुखार लोगों की जान ले रहा है। तो जो राजनेता हैं वो पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपनी सरकार के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि पूरी कार्रवाई की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, साफ सफाई को लेकर या फिर स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरह से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा न रहे कि इलाज ना मिले, उस पर पूरी तरह से नजर होनी चाहिए। गांव-गांव तक
अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इन तस्वीरों से समझ आ रही है। आगरा में ये बच्चे मासूम, छोटे छोटे, जो कि बुखार से तड़प रहे हैं। कुछ लोग तो बाहर नहीं जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह भी नहीं मिल रही है, घर पर रहकर ही खुद ही इलाज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी हालत नहीं सुधर रही है। कईयों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, या मिल रहे हैं तो एक ही बेड पर चार या पांच बच्चों का इलाज हो रहा है। ऐसी तस्वीरें आगरा से लगातार सामने आ रही हैं। तो आगरा की तस्वीरें, और सिर्फ आगरा ही नहीं, आसपास के जितने भी जिले हैं, यहाँ पर डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी तमाम तस्वीरें पिछले एक महीने से लगातार हम देख रहे हैं। अगर बात की जाए हर साल की, तो बरसात के मौसम के बाद ऐसे हालात उत्तर प्रदेश के कई जिलों के हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। डॉक्टर शरद गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष आईएमए, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। ऑडिबल नहीं है प्लीज सर, आपकी आवाज मिल रही है मेरी आपको? बहुत लाउड नहीं आया, थोड़ा सा लाउड कर। चलिए, मैं अपनी पीसीआर टीम से कहना चाहूंगी कि मेरी आवाज इन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, इसे कृपया करके जांच लें। मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes. जी, उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर डेंगू या वायरल फीवर कह लें, इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मैं यहां अगर सिर्फ आगरा की बात करूं या फिरोजाबाद की, यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो तमाम स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो है वो हकीकत बयां करती है। एक बेड पर अगर चार बच्चों का इलाज होगा तो क्या प्रॉपर इलाज बच्चों को मिल पाएगा? देखिए, आपका कहना ठीक है कि ये मानसून के बाद डेंगू का बुखार और मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता है, लेकिन इसमें फैलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये डेंगू का जो लार्वा है वो पानी में पनपता है, वहीं पर अंडे देते हैं, वहीं पर पनपता है। तो मानसून के बाद गड्ढे, पोखर, नालियां और सड़कों के जो गड्ढे हैं वो पानी से भर जाते हैं। प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है, फॉगिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं और उसकी वजह से आम जनता जो है इस बीमारी से पीड़ित हो रही है। डॉक्टर तो सिर्फ इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन प्रिवेंशन जो होना चाहिए, ठीक है कि पब्लिक को अपना प्रिवेंशन करना चाहिए, पूरी बाहों की कमीज पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाए, मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास जो पानी अगर कहीं घर में ऊपर छत पे कहीं भरा है तो उसको खाली कर दें, और या जो आसपास पोखर नालियां हैं उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें जिससे वो एक सर्टेन लेयर बना ले, जिससे वो ऑक्सीजनेशन नहीं होगा लार्वा का, तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर तो नहीं छिड़कने जाएगा, फॉगिंग करने जाएगा मिट्टी का तेल, ये प्रशासन का काम है। बिल्कुल प्रशासन का काम है। शरद जी, एक और चीज यहाँ पूछना चाहूंगी मैं कि हर साल ऐसा होता है, देखिए जैसा कि आपने बताया कि बरसाती मौसम में ऐसा होता है कि डेंगू के लार्वा जो है उत्पन्न होते हैं, उस वजह से डेंगू बढ़ता है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस जो की पिछले कई सालों से हम लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देख रहे हैं, ऐसा क्या अंतर है दोनों में? पहले तो समझाइए कि इंसेफ्लाइटिस और डेंगू में कितना बड़ा अंतर है और इसके लक्षण कितने अलग है। देखिए, इंसेफ्लाइटिस जो होती है वो दिमाग पे असर करती है, और जो डेंगू होता है वो हमारे जो हड्डी का जो बोन मैरो होती है जहाँ पे ब्लड की सिंथेसिस होती है यानी खून बनता है, वो उस पर असर करता है, हमारा उसमें इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस कर देता है। इम्यून सिस्टम सप्रेस होने से हमारे ब्लड का प्रोडक्शन जो शरीर में खून बनता है बनना बंद हो जाता है, उसका एक अवयव प्लेटलेट भी है, तो प्लेटलेट बननी भी कम हो जाती है, खून बनना भी कम हो जाता है डेंगू में। तो जब प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो प्लेटलेट का एक रोल होता है कि वो शरीर के अंदर एक पतली सी लेयर वेन्स के आर्टरीज के अंदर बना लेता है जिससे ब्लड एक्सट्रावेजेट नहीं होता, यानी खून बहने से रोकता है, खून को बाहर रिसाव होने से रोकता है। तो जब प्लेटलेट कम हो जाने लगती है एक सर्टेन उसके बाद, तो वो खून का रिसाव होना चालू हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है,
तो शरीर के में अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो मरीज को जो है शॉक में पास हो जाता है, और शॉक में पास होने से उसकी डेथ भी हो सकती है। इतना गंभीर यह हो सकता है? बिल्कुल शरद जी, एक और बात यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी जानकारी दें ताकि जो हमारे दर्शक है वो समझ सके और इससे अपना बचाव कर सके। देखिए शहरी इलाकों की मैं बात करूँ तो यहाँ लोगों को समझ में आता है कि इंसेफ्लाइटिस क्या है, डेंगू क्या है। ग्रामीण इलाकों में अब भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को नहीं पता कि इससे कैसे बचना चाहिए, इसके तौर तरीके क्या हैं, तो वहां पर डेंगू की तादाद बढ़ रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई एक साल का, कोई दो साल का, कोई तीन साल का। कुछ गृहणियां ऐसी हैं जिन्हें जानकारी नहीं पता है कि डेंगू से कैसे बचना चाहिए, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को किस तरह से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी प्रशासन तो निभाता ही है लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी अहम जिम्मेदारी होती है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग की बिल्कुल अगर है तो अगर जो आम जनता को उसको बचाव का बताना है, जैसे मैंने कहा पूरी बाहों के सूती कपड़े पहने, क्योंकि जो ये एडीज एजिप्टियाई जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है और 3 से 4 फीट तक की ऊंचाई तक ही उड़ पाता है। तो जैसे छोटे बच्चे उन्होंने देखा है कि अपना कच्चा बनियान नेकर में पहन के घूमते हैं, तो उनको पूरी ढक करके रखे, पजामा पहने, पैंट पहने, पैरों में मोजे पहने, जिससे कि वो पैरों में नहीं काट सके। अगर वो काटेगा तो उसके काटने से उसके अंदर डेंगू का वायरस जो है वो उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट होने से उसको डेंगू हो जाएगा। प्लस जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं वो हम लोग सोचते हैं कि रात में लगा देते हैं, दिन में नहीं लगाते, जबकि ये 24 घंटे लगाना है हमको, दिन में भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने हैं। तो हमारे को सबसे बड़ा इसमें है कि बचाव, अगर हम बचाव कर लेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं। तो इसमें कुल मिलाकर चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे प्रशासन हो, उसको मच्छरों से, इतना बड़ा मलेरिया डिपार्टमेंट है, इतना सारा फंड आता है पूरे साल, वो हम देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, हम अभी तक मलेरिया और डेंगू से ही जूझ रहे हैं, ये एक हमारे लिए बड़ी विडंबना है। बिल्कुल शरद जी, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत सही बात कही आपने। और शरद जी एक और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी वयस्क है, अगर उसे बुखार हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि उसे डेंगू है, तो अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है तो घर में रहकर किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं? तो उसको सबसे पहले निकट के सरकारी अस्पताल या ऐसा क्वालिफाइड डॉक्टर हो जो कम से कम MBBS हो उसके पास जाके अपनी जांच करानी चाहिए, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ उसको खून की जांच करानी चाहिए, जिससे वो देख ले कि वास्तव में उसको डेंगू है, मलेरिया है, या उसके प्लेटलेट का काउंट क्या चल रहा है। अगर प्लेटलेट काउंट कम नहीं है तो उसको घर पर ही दवा दे करके ठीक किया जा सकता है, उसको स्टीरॉयड आदि देने से बचा जाए, ऐसे क्योंकि खून इसमें गाढ़ा हो जाता है, तो उसको पतला रखने के लिए हमको कम से कम एक एडल्ट को 4 से 5 लीटर लिक्विड का सेवन करना है। उस लिक्विड में चाहे हम जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, मठा ले सकते हैं, चाय कॉफी ले सकते हैं, तो हमको कम से कम 4 से 5 लीटर लिक्विड भी लेना जरूरी है। और पैरासिटामोल की जो बेसिक दवाई है बुखार की, उसको हर 4 से 6 घंटे पर अगर बुखार आता है तो उसको बराबर लेनी है। ठीक है शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आगरा में डेंगू का ज़बरदस्त प्रकोप है, लेकिन हमारे साथ यहाँ शरद जी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ जानकारी दी है कि किस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं और किस तरह से घर पर रहकर ही, अगर आपकी प्लेटलेट्स नहीं जाती है और आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, तो आप घर पर रहकर भी इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन साफ सफाई बेहद ज़रूरी है, सिर्फ अपने ही घर में नहीं, आसपास भी देखना होगा और उसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। वहीं अलीगढ़ के थाना मडराक इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सूत्रों की माने तो मां का सम्मान पाने वाली भाभी से अवैध संबंधों के खुलासे से आहत एक छोटे भाई ने बड़े भाई की धारदार हथियार से जुबान काट दी। यहां रिश्तों का कत्ल करते हुए छोटे भाई की तरफ से अवैध संबंधों में जीभ काटे जाने पर बड़े भाई को गंभीर हालत में हायर सेंटर जिला मलखान सिंह अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले को सीढ़ियों से गिरने के बाद जुबान कटने की दुर्घटना बता रही है, जबकि जीप कटने के बाद युवक सिंटू अपने भाई बॉबी पर अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगा रहा है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। एक सिंटू नाम का 30 साल का व्यक्ति आया था, लड़ाई झगड़े का केस था, इसे जुबान पे लेसरेशन थे, चोट के निशान थे, उसका हमने मुआयना किया, वो
फटे हुए होने की वजह से वो हो नहीं पा रहे, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक सर्जन और उसकी रिपोर्ट आती है। अमेठी के पीरपुर थाना क्षेत्र में देर रात शहीद दिनेश का पार्थिव शरीर पैतृक निवास पहुंचा। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। डीएम ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी और शासक की तरफ से निर्धारित आर्थिक मदद देने के साथ हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ड्यूटी के दौरान जवान दिनेश कुमार जम्मू में शहीद हो गया था। बीएसएफ के शहीद जवान दिनेश कुमार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमीरपुर के सरीला तहसील क्षेत्र में जानवरों से परेशान किसान ने फांसी लगा ली। जानवर किसान की 8 बीघा मूंगफली की फसल को खा गए, जिसके चलते किसान ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि किसान लगातार अपने खेतों की दिन रात रखवाली किया करता था। जानवरों के फसल खा जाने के कारण किसान ने फांसी लगाई। वहीं सूचना मिलने पर आनंद फानन में परिजनों ने किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ किसान की हालत गंभीर हो गई, लेकिन उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं में से एक योजना उज्ज्वला गैस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की किस्मत ही बदल कर रख दी। पहले ये महिला घर में खाना पकाने के लिए जंगलों से जाकर लकड़ियां काट के लाती थी, फिर अपने परिवार वालों के लिए खाना बना पाती थी। लकड़ियां से उठने वाले धुएं से महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, पर जब से केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस की योजना की शुरुआत की है, तब से इनकी किस्मत ही खुल गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती और खाना बनाना सरल और सुलभ हो गया है। महिलाओं को अब कोई बीमारी भी नहीं होती, जो कि पहले चूल्हे के धुएं से हुआ करती थी। तो केंद्र सरकार की योजनाओं से महिलाओं को लाभ मिला है। उज्ज्वला गैस योजना ने महिलाओं की किस्मत बदल दी है। गैस मिली है, सिलेंडर जो है। तो पहले कैसे खाना बनाती थी? चूल्हे बनाते थे लकड़ी से, काट काट के लकड़ी लाते थे, चूल्हे खाना बनाते थे। जब से गैस मिली तब से गैस बना रहे हैं खाना। तो प्रधानमंत्री जी की योजना अच्छी है? हाँ अच्छी है। पहले रहा धुईं लागत रहा, चूल्हा बनता रहा खाना। अब है गैस मिल गया है तो खाना जमाना है बनाता है तो धुईं ढक्कना लगाता है। और देखा अब बहुत अच्छा काम करता है सरकार जमाना है। अब गरीबों के लिए काम ठीक कर रहे हैं। गरीब काम ठीक करता है और अच्छे। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा था कि गैस मिल रही है फ्री में? अब साहब जमाना है, अब ऐसे सुनते सुना तो जमाना सोजना आए है, प्रधान जमाना सोजना दिए है गैस सिलेंडर। तो क्या अब क्या लाभ होता है उससे? पहले क्या होता था? पहले लकड़ी से बनाते हैं, बहुत धुआं धक्कड़ होता है, खांसी आता है, सांस फूलता है। अब मतलब मोदी जी ने कहा का गैस सिलेंडर दे दिया है तो कहा कहा था अब खाना बनाते हैं। अच्छा, तो अब दिक्कत नहीं होती है? नहीं। मोदी जी की योजनाएं आपको अच्छी लग रही है? हाँ। और क्या क्या अच्छी लग रही है योजना? सरनपुर में झारवीर गोगा जी महाराज की शान में गंगो रोड स्थित महाड़ी पर लगाने वाले मेले पर प्रशासन की तरफ से इस साल भी रोक लगाई गई है। कोरोना प्रोटोकॉल्स को देखते हुए प्रशासन की तरफ से मेले की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कि शुक्ल पक्ष की दशमी पर सहारनपुर के गंगो रोड स्थित श्री झारवीर गोगा महाराज की महाड़ी पर करीब 800 साल से मेला लगता रहा है, लेकिन पिछले साल कोरोना काल के चलते यहाँ मेले पर रोक लगा दी गई थी। तो वहीं दूसरी ओर इस साल भी मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के अनुमान को देखते हुए प्रशासन की ओर से मेले पर रोक लगा दी गई है। तो इस साल भी झारवीर गोगाजी महाराज का मेला नहीं लगेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से संक्रमण ना बढ़े, इस वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ सकती है। आपको बता दें कि 800 सालों से यहाँ पर यह मेला लगता आया है, हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हों, चाहे वो मध्य प्रदेश से हों या फिर राजस्थान से। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गोगा जी महाराज की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो क्योंकि पिछली बार कोविड के चलते यहाँ छड़िया भ्रमण भी नहीं कर पाई थी। सहारनपुर में घर घर जाकर जैसे पूजा होती है छड़ियों की, पहले वो भी नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार हम लोगों ने अपनी छड़िया निकाली, शहर में घरों में जाकर पूजन हुए, बसेरे हुए छड़ियों के श्रृंगार के साथ साथ। लेकिन एंड वक्त पर जब मेला कल होने जा रहा है, प्रशासन ने इस मेले पर रोक लगा दी कोविड को देखते हुए कि मेला स्थगित कर दिया गया है और मेला नहीं भरेगा, जबकि साकुम्बरी और जबकि साकुम्बरी देवी के मेले की परमिशन मिल चुकी है और जगह जगह मेले भरे जा रहे हैं। जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम रहा वो भी रात 2 बजे तक रहा। देखिए अभी फिलहाल जो है, जो भी अभी कोविड का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी जो है बीच बीच में कोविड के पॉजिटिव केसेस यहाँ पर निकल रहे हैं, और इस संबंध में जो भी जो भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस है वो भी हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं, उनका भी हम लोगों को पालन कराना है। इसी के दृष्टिगत जो आगामी जो गोगा माड़ी का मेला लगता है उसमें पिछले साल भी जिस तरीके से जो है एक सांकेतिक रूप जो है रूप से केवल छड़ियाँ जो है उसकी छड़ियों की कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी, मात्र वो लोगों ने अपने शायद गाड़ियों में रखकर उसको जो गोगा माड़ी स्थल है वहाँ पर जो है स्थापित किया था। तो इसी तरह की व्यवस्था इस बार भी रहेगी और कोई शोभा यात्रा नहीं जो है निकलेगी और इसी प्रकार ना ही वहाँ पर कोई जो है भीड़ भाड़ का जमावड़ा हम लोग जो है परमिट करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।